हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेवी रॉक्स टीम्स। तो गाइज, मैं आप लोगों के लिए आ गए हैं कोरियन मैच कवर करने, जो कि हेरा जाएगा INC वर्सेस FC सियोल के बीच 1 घंटे 51 मिनट के बाद। तो इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइज मेरे चैनल का, बस आपने कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में विजिट करना है, वहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और आप ऑटोमेटिकली ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे गाइज। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बात करूँ अगर मैं इस मैच की, तो INC वर्सेज SE बहुत ही ज़्यादा रेयर मैच है, रेयर इन द सेंस गाइज, मतलब रिस्की, थोड़ा सा लिटिल रिस्की बट इंटरेस्टिंग है। रिस्की मैच इंटरेस्टिंग बहुत होते हैं गाइज। तो मैं बात करूँगा सबसे पहले गोल कीपर की, याद लूँगा एल्टे हुई को। तो गाइज लीटे हुई आज के मैच के अंदर आपको चलता हुआ दिख सकता है, क्योंकि पिछले मैच में इनका मैच था ULS के साथ, तो ULS के सामने भी ये प्लेयर अच्छा खेला, क्योंकि जब भी ओपोनेंट टीम तगड़ी होती है तो गोल कीपर के चलने के सार उतने ही ज़्यादा। तो आगे से बात करूँगा डिफेंडर की गाइज, तो याद लूँगा K1 गन को। तो गाइस K1 गन आज के मैच के अंदर आपको अलग ही खेलता हुआ दिख सकता है, नेक्स्ट लेवल आपको दिखेगा, क्योंकि इसकी डिफेंडिंग आज काम आएगी, क्योंकि जितने पासिस कंप्लीट करोगे, जितनी इंस्क्रिप्शंस वॉन करोगे, उन सबके पॉइंट्स अब मिलने वाले हैं। K-Jinya की बात करूं तो K-Jinya अनएक्सपेक्टेड चांस क्रिएटर है गाइज अपनी टीम का। तो ये एक डिफेंडर है, बट यही थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर यही प्लेयर मिडफील्डिंग सेक्शन में होता ना तो बहुत टॉप का चलता, क्योंकि इसकी मिडफील्डिंग बहुत अच्छी है डिफेंडिंग के साथ साथ। तो K-Jinya एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पे मैं ले रहा हूँ। K-Kwangmin की बात करूँ तो K-Kwangmin गाइज पिछले मैच के अंदर 90 मिनट्स पूरा खेला था, 38 पासिस कंप्लीट किए थे, 38 बहुत कम है, बट नेचुरली 3 इंस्क्रिप्शंस भी वॉन किए थे, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट दिया था 90 मिनट में। और अगर आगे से बात करूँ तो K-Jinya को लूँगा। K-Jinya इज अ नॉर्मल प्लेयर और लेना बनता ही है, क्योंकि क्या रहता है, ये बिल्कुल सिंगल साइड टीम भी नहीं इसमें चलेगी। आगे से बात करूँ मिडफील्डर की गाइस, तो यहाँ सुनूंगा K-Sung-Yong को। तो K-Sung-Yong इज अ नॉर्मल लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डर, इसके द्वारा आज के मैच के अंदर 70% चांस है गोल करने के, मतलब ये मत कर लेना भाई कैप्टन रख दो पूरा, मतलब कैप्टन नहीं, VC के लिए सही है, वाइस कैप्टन ऑप्शन है ये, बिकॉज ये लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डर है। यही प्लेयर अगर मिडल मिडफील्डर होता तो डेफिनेटली गोल करता, बट आज के मैच के अंदर असिस्ट कर सकता है, बिकॉज इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड मिडफील्डर। ई एगुलर की बात करूँ तो ई एगुलर को मत छोड़ना, पिछले मैच में भी सबकी टीम में था ऑल ओवर और मेरी भी, इसने सिंगल असिस्ट की थी और असिस्ट बहुत नाइस थी गाइस, क्योंकि गोल से पहले इसकी इस मतलब गोल से पहले असिस्ट की हमें ज़रूरत होती है, तभी जाकर गोल होता है। आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, अलेक्जेंडर पेलोसेविक को लेने वाला हूं। पेलोसेविक इज अ नॉर्मल प्लेयर और ज्यादा मिनट्स नहीं खेलेगा, इट्स रेयर प्लेइंग गेमर। और एक्चुअली क्या है कि अगर ये कोई गोल करता भी है तब भी ये मैक्सिमम 70 मिनट खेलेगा, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना, बिकॉज इट्स मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये रेयर प्लेयर है। आगे से बात करूँ अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड की, तो N-Sang-Ho को लूँगा। पिछले मैच में गोल नहीं किया तो लोग इससे उम्मीद तोड़ बैठे, पर हम ऐसे नहीं है गाइस। तो N-Sang-Ho को मैं 100% टीम में लगूंगा और अपना कैप्टन भी। और P-Choi-Young की बात करूँ, P-Choi-Young भी पिछले मैच में नहीं चला, तो मैं इस प्लेयर की गलती नहीं कह रहा, कई बार दिन होते हैं नहीं चलता प्लेयर, तो P-Choi-Young भी मेरी टीम में रहेगा, सिलेक्शन इसकी भी बहुत कम है। और जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्डर है INC का, वो है गाइस नॉर्मल, जिसका नाम है Wai Dong-gyu पिछले मैच के अंदर एक सब्स्टिट्यूट नहीं था और 45 मिनट खेला था, बट इफ़ यू वांट टू गो सेव देन यू कैन ट्राई H-Kim, अगर किम खेलता है, बट अभी श्योरिटी नहीं है कि किम खेलेगा कि नहीं। और आगे से बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, कैप्टन ने कहा N-Sang-Ho एंड वाइस कैप्टन K-Sung-Yong। तो ये मेरी टीम गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।